तो हेलो गाइस, यार कैसे हैं आप सब लोग? यार आप सब लोगों का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। तो भाई एक बंदे की यहाँ पे कम से कम एक डेढ़ महीने से रिक्वेस्ट चल रही थी कि भाई पेक्का बोबैट की वीडियो ला दे, भाई ला दे टाउन हॉल 12 पे। भाई मेरे को तो अब डर लगने लग गया था कि कहीं यार बंदा घर पर ना पहुँच जाए कि भाई हाँ तू ला नहीं रहा, एक डेढ़ महीना हो गया मेरे को कहते को। तो फाइनली यार वो दिन आ ही गया उस बंदे के लिए, आज वो वीडियो हम ला रहे हैं। मतलब थोड़ा लेट ज़रूर हुए हैं लेकिन भाई ला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आपको यार मैं सबसे पहले अपने हीरोज़ दिखाऊंगा, ये अभी बूस्टेड किए हैं और बूस्ट से पहले 32, 20 और 14 के हीरोज़ हैं। तो इनसे हमने 3-4 मारा, तो बूस्ट था तब हमारे पास आर्मी बूस्ट मारा, क्योंकि यार यहाँ पे अपने को आपको पता ही यार अपने ट्रूप्स वगैरह बिल्कुल मैक्स नहीं थे। तो अभी हमने यहाँ पर खुद लाइव अटैक किया इतने लो लेवल ट्रूप्स के साथ। बेस देखो भाई साहब, मतलब क्या बेस है यार, बिल्कुल मैक्सड आउट बेस है, हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट मैक्सड आउट बेस है यार, बिल्कुल मैक्सड आउट नहीं है। मतलब वॉल वगैरह थोड़ी कम है, बाकी देख लो यार सब कुछ मैक्स आउट है, फिर भी यहाँ पे हमने 3 स्टेप मार दिया भाई बेस को। तो चलो अब ये अटैक देखेंगे। तो सबसे पहले अपना प्लान कर रहा, मैं आपको थोड़ा प्लान समझाता हूँ। एक साइड से इस साइड से वाला बनाया, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे यार देखो इजीली यहाँ पे यार ईगल आर्टिलरी मिल रही थी बिल्कुल साथ में जाते हुए, और बीच में यहाँ पे देख लो विजिट टावर की प्लेसिंग, तो बीच में यही लिपट जाता, ये सामने आ रहा था। और ये मेरी कोशिश थी कि मिल जाए तो ठीक है, वरना यार अपने पास 3 फ्रीज हैं, कोई दिक्कत नहीं है निकाल लेंगे। तो चलो सबसे पहले यार यहाँ पे हमारा बेबी ड्रैगन ने अच्छा फनर बनाया, इस साइड से हमारे इलेक्ट्रो ड्रैगन ने काफ़ी लंबे देर तक मतलब लगा, चलो भाई सारा बेस यहाँ से इधर की साइड तक सारा यहाँ पे इलेक्ट्रो ड्रैगन लेके गए। तो अपने अपना ध्यान तो बस अपने मेन अटैक पे था, इलेक्ट्रो ड्रैगन ने अच्छा काम किया तो भाई सही बात है अपने लिए। इस साइड से यहाँ पे अपने जैसे ही अपना बेबी ड्रैगन मरा तो अपने पैकस वगैरह शुरू कर दिए हमने, और हीलर्स थी हमारे पास 4, तो उससे अच्छा फनल बना, मतलब फनल कह रहा हूँ, मतलब उससे अच्छी वैल्यू, मतलब ट्रूप्स मरे नहीं अपने जल्दी जल्दी, सारे बॉलर्स और बाकी सब कुछ एक विच उतारी हमने यहाँ पे इस साइड, ताकि अपने ट्रूप्स बाहर की तरफ बिल्कुल ना जाएँ। किंग क्वीन वार्डन दोनों पैकाज हीलर्स और बाकी अपने यहाँ पे एक आइस गोलम था, तो उसको हमने थोड़ा पीछे से डाला, और सारे यहाँ पे अपने बॉलर्स आ चुके थे क्योंकि यार यहाँ पे देख लो काफ़ी हैवी डैमेज पड़ रहा था अपनी इस वॉल रेकर को, तो इसलिए हमने थोड़ी अर्ली एबिलिटी दी अपने वार्डन की। वैसे मेरा प्लान था टाउन हॉल के पास देने का, लेकिन यार अपने सीज बैरक कैरम वॉल रेकर को काफ़ी यहाँ पे दिक्कत हो रही थी, तो थोड़ी अर्ली एबिलिटी देनी पड़ी यार मेरे को इसी वजह से, वरना तो शायद मैं यहाँ पे एबिलिटी ना देता। और भाई एक चीज़ यहाँ पे मैंने सबसे बड़ी गलती ये की कि अपना यहाँ पे यार रेज नहीं डाला टाउन हॉल पे, मेरे को था कि शायद ऐसे ही निकल जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं, थोड़ी सी हेल्थ के साथ बच गया, लेकिन अपनी क्वीन ने यहाँ पे एंड में बचा लिया भाई अपने मतलब टाउन हॉल को यहाँ पे मतलब निकाल लिया एंड पे यार अपनी एबिलिटी से बहुत इजीली, वरना यार शायद दिक्कत हो सकती थी इस अटैक में। तो एंड में फाइनली अपना जो एक और विजिट टावर था इस साइड पे, मतलब तीसरा विजिट टावर था, वो भी निकल चुका था। तो अब यार अपने बैट्स के लिए और 3 फ्री स्पेल्स के लिए सिर्फ एक विजिट टावर बचा था, जो कुछ बड़ी बात नहीं थी। तो थोड़ा सा लेट हमने यहाँ पे शुरू किया क्योंकि यार यहाँ पे देख लो यार इलेक्ट्रो ड्रैगन अभी तक जिंदा है, मतलब ऑलमोस्ट थोड़ी सी हेल्थ है लेकिन अभी तक जिंदा है अपना इलेक्ट्रो ड्रैगन। तो अभी हमने 1 मिनट के अराउंड यहाँ पे बैट स्पेल्स शुरू कर दिए थे, तो 6 बैट्स फिल्स थे तो मैक्स लेवल के, तो भाई कोई दिक्कत आनी नहीं थी यहाँ पे कुछ मरने में, कोई यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं। और ट्रूप्स भी देख लो इस साइड काफ़ी ज़्यादा ट्रूप्स बचे थे, तो फिर भी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी यार अपने को। तो फर्स्ट फ्रीज़ किया जैसे अपने बैट्स फिल्स काफ़ी क्लोज आए, सेकेंड फ्रीज़ में यहाँ पे मैंने यार यहाँ पे इन पे किया जो अपनी एक्सपोज थी, तो बैट्स फिल्स उनसे दूर हो गए जो अपने विजिट टावर होता है। और फिर से थर्ड फ्रीज मैंने बहुत सही टाइमिंग पे कर दिया ताकि यार कोई दिक्कत आए ना अपने को, और सारे डिफेंसेस इजीली यहाँ पे निकल चुके थे। सेकेंड अटैक जो दिखाऊंगा भाई वो मतलब बिल्कुल मैक्स टाउन हॉल 12 था जो अटैक कर रहा था, लेकिन यार जो अपना ओपोनेंट था वो इतना मैक्स नहीं था, अपने मतलब जो सेकेंड अटैक की बात कर रहे हैं तो उसमें ओपोनेंट इतना मैक्स नहीं था, तो फिर भी यार यहाँ पे हमने 3 स्टार निकाला बहुत ईजिली। उस बंदे ने यहाँ पे मतलब वो रीप्ले दिखा रहे, मतलब पिछली वॉर का जो अपनी वॉर हो रही थी, तो ये तो अपना अटैक हो गया। मतलब यार लो हीरोज़ के साथ आपको कैसे निकालना है तो आपने देख लिया यार, अगर आप कितने भी हीरोज़ हैं ट्रूप्स मैक्स है कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी निकाल सकते हो बहुत ईजिली यार बेसिस पे। देख लो 2 पैकाज बचे, कितने सारे यहाँ पे बैट्स बचे हैं, कम से कम 2 दर्जन बैट बचे हैं यहाँ पे, तो इजीली ये बेस भी गया यार 3 स्टार। तो इसके बाद अभी हम नेक्स्ट रीप्ले पे चलते हैं, मतलब वॉर के सीधा, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो तो सीधा वहीं पे बढ़ते हैं हम। तो गाइस यार हम आ चुके हैं सेकेंड अटैक पे, तो अभी यार देख लो ये बेस कितना मैक्सड आउट है, और यहाँ मतलब कितना यहाँ पे ओपोनेंट जो अटैकर है वो कितना मैक्सड आउट है, और ओपोनेंट जो यहाँ पे डिफेंड कर रहा है वो बिल्कुल कम मैक्सड आउट है। तो यार इसी वजह से यहाँ पे बेस 3 स्टार हुआ मेनली, और हमने तो यार यहाँ पे बिल्कुल मैक्स बेस पे ऑलमोस्ट मैक्स बेस पे यार 3 स्टार किया, वो भी लो लेवल हीरोज़ के साथ, तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी।
तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत मेरी आवाज़ कम आ रही हो, क्योंकि यार मेरे को दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता आजकल। तो अभी हम रात को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो भाई धीरे धीरे बोलना पड़ता है, क्योंकि यार फिर घर वाले ना जाग जाएं और फिर डांट पड़ेगी भाई कि हाँ तू रात को क्या बोलता रहता सारा टाइम, मतलब ज़्यादा फिर यार इसलिए ऊँची नहीं बोल पाता। तो थोड़ा शायद यार वॉल्यूम और ज़्यादा करके सुन लेना भाई, ताकि आपको सब कुछ सुने। और अभी और टैग की बात करें, तो यार बंदे ने यहाँ पे मतलब एक साइड से टैग किया, तो हमने यहाँ हमने भी ऑलमोस्ट यहाँ पे ऐसे ही एक साइड से टैग किया, लेकिन हमने इतने थोड़ा सा स्प्रेड आउट करके यहाँ पे ट्रूप छोड़े थे, तो शायद इसी बेस पे शायद यही प्लान चल रहा होगा। तो भाई बंदे ने बाकी यार बंदे का मेन मोटिव यहाँ पे टाउन हॉल लेने का था, दिख रहा था भाई साफ ही कि बंदा सबसे पहले टाउन हॉल लेने को जा रहा है। उसी साइड से विजिट टावर्स भी मैक्सिमम मिल रहे थे बंदे को, तो भाई मतलब उसी हिसाब से बंदा गया, मतलब बिल्कुल यार जो बेस पे मतलब मिल रहा था सबसे पॉजिटिव चीज़ें मिल रही थी, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो बेस की वो मिल रही थी इजीली। और यहाँ पे देख लो मैक्सिमम यहाँ पे विजिट टावर्स यहाँ पे इजीली अपने जो मेन ट्रूप्स होते हैं उनसे निकाले, बाकी का काम यार आपको पता है बैट्स पे उस साइड से आ चुके थे, और बहुत इजीली यहाँ पे यार एक फ्रीज डाल के यहाँ पे जो एक विजिट टावर था उसको डाउन कर लिया गया, और बाकी कुछ बचा नहीं था, सिर्फ ईगल आर्टलरी थी वो टारगेट कर नहीं रही थी बैट्स को, और बाकी ट्रूप देख लो बहुत ज़्यादा बचे थे, क्योंकि यार अटैकर काफ़ी मैच्ड था और शायद जो डिफेंडर था वो इतना मैच्ड नहीं था। मतलब हम बात करें वॉल्स की, डिफेंसिस ठीक थे, बाकी किंग क्वीन थोड़े लो थे, लेकिन हम तो यार जब अटैक कर रहे थे हमारे खुद के किंग क्वीन बहुत लो थे, लेकिन यार फिर भी हमने यहाँ पे निकाल के दिखाया 3-4। तो भाई आपको डरना नहीं, आपके किंग क्वीन यार अगर मेरे जितने लेवल के मतलब बूस्ट लगा के मतलब यार समझ रहे हो ना 37, 25 और 14 मतलब इस 19 तो इसके अराउंड के भी है, तो भाई फिर भी आप पेक्का बोबैट यूज़ कर सकते हो, बहुत सही आर्मी यार, इजीली निकाल पाओगे बेसिस को। तो हमने दिखाया यार आपको निकाल के, कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई नहीं निकाल पाओगे, बस थोड़ा आराम से अटैक करो, बिल्कुल यहाँ पे यार पैनिक होना नहीं आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते रहें। तो शायद यार थोड़ा उल्टा हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो। We'll be right back.